यार आज बहुत लेट उठा हूँ और बहुत दूर जाना है ना, लेकिन यार नींद इतनी तेज लगी हुई थी कि उठ नहीं पाया। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और हम जैसे जैसे नए नए ब्लॉग्स डालेंगे वो सभी आपके पास फटाफट आ जाए। तो चलिए गाइज मैं भी रेडी हो लेता हूँ। तो दोस्तों दिन के 10:30 बज चुके हैं और हम रेडी हैं बाहर निकलने के लिए। अभी तक खाना नहीं खाया लेकिन फिर भी मैं कुछ उल्टा सीधा ठूस लेता हूँ ताकि रास्ते में हमें भूख ना लगे। हालांकि भूख लगेगी भी तो थोड़ा बहुत ले लेंगे क्योंकि आज मेरी जेब में पैसे भी नहीं है तो इधर उधर से थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। तो क्या आप रेडी हैं हमारे साथ चलने के लिए? दोस्तों अब हम पूरी तरह से तैयार हैं बाहर निकलने के लिए। एक छोटी ओ माय गॉड ये एक और बंदा आ गया यहाँ पे, मुझे लग रहा है बाहर। ओह देखिए ये यहाँ चल रहा है, इस बंदे को मैंने बोला था कि बाहर निकलना है लेकिन तो गाइस ये बंदा तो मानने वाला नहीं है, लेकिन हम लोगों को निकलना होगा। अभी हम रेडी हैं पूरी तरह से, खाना वाना खा चुके हैं, वैसे मैं मजाक कर रहा था। तो चलो चलते हैं छोटी सी यात्रा आप लोगों के लिए। घर से निकलने के बाद लगभग 1 घंटे की दूरी तय करने के बाद हम पहुँचे हैं इंडिया गेट। वैसे आज का प्रोग्राम हमारा मुगल गार्डन का था लेकिन कुछ कारणों की वजह से हम वहाँ पर नहीं जा सके, तो उसके बाद हमने अचानक से अपना प्लान चेंज किया और पहुँच गए हम इंडिया गेट। दोस्तों इंडिया गेट नई दिल्ली के राजपथ पर स्थित एक विशेष द्वार है। यह द्वार स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। अंग्रेजों के ज़माने में इसको किंग्सवे कहा जाता था। इसका डिज़ाइन इंग्लैंड के महान आर्किटेक्ट एडविन लैंडसियर ल्यूटसन ने तैयार किया था। और दोस्तों एक बात और मैं जो आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इंडिया गेट की तरफ जा रहे हैं तो अभी वहाँ पर आप ना जाएं क्योंकि वहाँ पर मरम्मत का कार्य जोरों शोरों पर है, जिसकी वजह से इंडिया गेट के चारों तरफ आम जनता का प्रवेश निषेध कर दिया गया है। अगर दोस्तों आप इंडिया गेट के आसपास के क्षेत्र का आनंद लेना चाहते हैं तो आप वहीं पर स्थित युद्ध स्मारक का लुत्फ ले सकते हैं। दोस्तों भारत सरकार ने अपने आसपास के क्षेत्र में अपने सभी सशस्त्र बलों को सम्मानित करने के लिए इस स्मारक का निर्माण कराया था। अभी साल 2019 में 25 फरवरी को इंडिया गेट के पास स्थित नेशनल वार मेमोरियल को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। दोस्तों जैसे ही आप इंडिया गेट के पीछे की तरफ चलेंगे तो आपको सामने की तरफ लौह स्तंभ पर 4 शेर सामने से बैठे दिखाई देंगे और उसके पास में ही भारत का राष्ट्रीय ध्वज, थल सेना, जल सेना और वायु सेना के 3 झंडे लहराते हुए दिखेंगे। और यहाँ पर जो गार्डन तैयार गए हैं दोस्तों, वो गार्डन मुगल गार्डन की ही तरह पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं।
दोस्तों युद्ध स्मारक में सियाचिन, श्रीलंका, कारगिल और अन्य युद्धों में शहीद हुए सैनिकों के नाम यहाँ के पत्थर पर सम्मान अंकित किए गए हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है हमने जो जानकारी आप लोगों के साथ साझा की है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। हमें उम्मीद है आप अपना प्यार हमेशा यूं ही बनाते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द आपके पास पहुँच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you.